के लिए 11.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो बेसिक फॉर्मूले हम यूज करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर उसमें डायगोनल दिए हुए हों, अगर डायगोनल दिए हुए हों तो हाफ डी वन डी टू, ये है एक डायगोनल ए सी, यह दूसरा डायगोनल बी डी। स्क्वायर का एरिया तो आपको पता ही है, एरिया रेक्टेंगल एल इनटू बी होता है। और ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें एक टेबल टॉप दिया हुआ है जो कि ट्रेपीजियम शेप का है, जिसमें एक पैरेलल साइड जो है वो है 1 मीटर का, दूसरा पैरेलल साइड है 1.2 मीटर का, और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी जो इसकी हाइट है वो है 0.8 मीटर और हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ट्रेपीजियम जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। हाफ, एक पैरेलल साइड आप देख रहे हैं 1 है, दूसरा 1.2 है, मल्टीप्लाई 0.8। 1 और 1.2 को जोड़ोगे तो 2.2 हो जाएगा, उसको 2 से कटाओगे तो 1.1 हो जाएगा, और उसको 8 से तो 11.88, दो उनके पीछे डेसिमल बिठा दिया, 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पे देखिए इसमें क्या हो रखा है कि आपको एरिया गिवन है, एक पैरेलल साइड गिवन है, हाइट गिवन है, और बोला कि दूसरा पैरेलल साइड बताओ क्या होगा। एरिया गिवन है 34, एक पैरेलल साइड गिवन है 10, दूसरा पैरेलल साइड जो है वो है मालूम नहीं, और जो हाइट है वो है 4। हमने एरिया ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखा, वो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। जो पैरेलल साइड हमें मालूम नहीं, हमने उसको एक्स मान लिया। अब एरिया जो है वो है 34, हाफ 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हाइट कितना है 4, ये 2 से ये 4 कट जाएगा दो बार में। तो अब ये क्या हो गया, 2 टाइम्स 10 प्लस एक्स इक्वल्स 34। अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी 10 प्लस एक्स इक्वल्स 34 बाय 2 यानी 17, 10 प्लस एक्स इक्वल्स 17 यानी एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा 17 माइनस 10 यानी 7, यानी जो अदर पैरेलल साइड है वो आपका 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री यहां पर है, देखते हैं इसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसके 4 साइड हैं, उसमें एक साइड जो है 40 है, दूसरा 17 है, तीसरा 48 है, और इसका पूरा पेरीमीटर यानी अगर इसके चारों ओर फेंस लगाओगे तो उसका लेंथ दे रखा है 120। तो फेंस जो है वो क्या है, पेरीमीटर ही है यानी, और एरिया मांग रहा है, तो पेरीमीटर क्या होगा, ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर होता है उसके सारे साइड का सम। तो एक साइड है ए बी, दूसरा साइड है इसका बी सी, तीसरा साइड है इसका सी डी, और चौथा साइड है इसका ए डी, और ये इक्वल्स कितने के है, पेरीमीटर के बराबर जो कि है 120। अब इसमें ये सारा चीज जोड़ो, वैल्यू डाल दो यहां पर 48, 17, 40, तो ये सारा ऐड करके हो जाता है 105, यानी AB plus 105 equals 120, यानी AB क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ गया तो 120 minus 105 यानी 15। अब AB जो है वो देखो, यहां गौर से देखो तो यहां 90 भी बना हुआ है, परपेंडिकुलर है BC पे, यानी AB ही हाइट हो जाएगा। तुम लोगों को ट्रेपीजियम में हाइट ऐसे देखने की आदत है कि सर हाइट यहां पे कहीं होता है, लेकिन जब ये फिगर ही तुम्हारा ऐसे बन रखा है तो यही वाला पोर्शन जो है वो हाइट हो जाएगा जो कि यहां पर ए बी है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। हाफ, एक पैरेलल साइड है तुम्हारा 48, दूसरा पैरेलल साइड जो है वो है 40, और हाइट जो है वो तुम्हारा ए बी के बराबर है, और ए बी तुम्हारा कितना निकला है 15। तो 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई 15 और यहाँ हाफ, इससे कट जाएगा 44 बार में, 44 इंटू 15 कर दोगे तो 660 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन डाला है, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 करवा रहा हूं।